ओके गाइस, सो इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द क्लास वी हैड स्टडीड दैट चार या पांच किस्म के मटेरियल्स होते हैं एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज फाइव मटेरियल्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स. नंबर वन कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एंड इनके अंदर रेजिस्टेंस जो होती है वो कैसी होती है, हाई होती है या लो होती है. ठीक है गाइस, इनमें मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं काउंट करेंगे. ओके, सो आउट ऑफ कंडक्टर्स, आउट ऑफ रेजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज इफ आई से इंसुलेटर्स, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स करंट को कंडक्ट करवाते हैं दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर आयन्स. ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर में इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा. हाउएवर हमें याद रखना है दैट इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनमें भी फ्री आयन्स होते हैं जो कि इधर उधर मूव करके इलेक्ट्रिकल करंट का पैसेज करवाते हैं. ठीक है, ओके. अनदर थिंग गाइस, हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं एंड इस रीजन की वजह से आर बॉडी, ह्यूमन बॉडी ऑल्सो बिकम्स अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हम लोगों ने एंड में पढ़ा था अबाउट इंसुलेटर्स. तो गाइस एक चीज तो समझ में आती है, आउट ऑफ ऑल दीज फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इंसुलेटर्स ही ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते हैं. तो इंसुलेटर्स का रोल कहाँ कहाँ होता है गाइस? इंसुलेटर्स में आते हैं सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टिक, लाइक कॉटन, पेपर एटसेट्रा. इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं और इनकी रेजिस्टेंस जो होती है इज वेरी 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 हाई एंड हेंस नो पैसेज ऑफ करंट टेक्स प्लेस थ्रू देम और इनसाइड देम. ठीक है, लेकिन बच्चों इंसुलेटर्स प्ले अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रेकिंग द सर्किट. गाइज अगर आपको एक सिंपल सर्किट में यहां पे दिखाऊं तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनस है, ये एक नेगेटिव टर्मिनस है. नेगेटिव टर्मिनस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल करके आते हैं, तो यहां पे हम लोग स्विच बनाते हैं. ठीक है, जो कि इसके पैसेज ऑफ करंट को स्टॉप करता है. ठीक है, या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर सकता है या उसको कंटिन्यू कर सकता है. ठीक है, और यहां पे मैंने एक लोड बनाया विच इज द बल्ब. बल्ब को हम लोग इन्वर्टेड डब्ल्यू की तरह चलाएंगे. तो गाइज जब यहां पे प्लग की में कोई भी मेटालिक बॉल नहीं है, जब यहां पे प्लग की में या की प्लग में कोई भी मेटालिक बॉल बीच में नहीं है, तो यहां पे सर्किट में इस पोर्शन में एयर भरी हुई है. इस पोर्शन में क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है. गाइज मैंने आपको एक क्लास में ये भी बताया था दैट एयर इज अ वेरी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या एयर जो है वो एक इंसुलेटर है. तो गाइज इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तो फ्लो करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनस से यहां तक तो फ्लो करेंगे. हाउएवर एयर जो है इट इज गोइंग टू स्टॉप द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ठीक है, तो जनरली इंसुलेटर्स जो होते हैं वो सर्किट्स को ब्रेक करते हैं. इसका एक और बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, वेयर लेट मी टेल यू अनदर वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल. ओके, अगर मैं लाइट वायर को पकड़ूंगी तो आप मुझे क्या एडवाइस दोगे? यू आर गोइंग टू से दैट मैम यू शुड नॉट बी होल्डिंग द लाइट वायर. व्हाई? बिकॉज आई विल गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड. मुझे एक लाइव इलेक्ट्रिकल वायर से झटका मिल सकता है, द रीजन बीइंग दैट करंट कैन फ्लो थ्रू माय बॉडी. क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो एटलीस्ट 80-90% इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. एटलीस्ट 80-90% जो है इट इज कंपोज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गाइस. तो अगर मैं एक लाइट वायर को पकड़ूंगी जिसमें से करंट आ रहा है, तो करंट मेरी बॉडी के थ्रू भी फ्लो करेगा. तो इसका सर्किट क्या होता है गाइस? इसका सर्किट ये होता है दैट लेट अस से दिस इज द टर्मिनस ऑफ अ बैटरी. ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनस है, तो यहां से करंट निकल रहा है. ठीक है, मैंने इस लाइट वायर को यहां पे छुआ, मैंने एक लाइट वायर को यहां पे छुआ, तो करंट जो है मेरी बॉडी के थ्रू जो है इट इज गोइंग टू गो थ्रू माय बॉडी इनटू द अर्थ. अर्थ में ये क्यों जाता है?
गाइस हमें पता है दैट करंट जो होता है इट ऑलवेज फ्लो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. गाइस इन दिस सर्किट अगर पॉजिटिव टर्मिनस का हाई पोटेंशियल है तो अर्थ का लोअर पोटेंशियल है एंड हेंस जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनस से लोअर टर्मिनस की तरफ या अब जो इसका नेगेटिव टर्मिनस होएगा वो क्या बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा. तो ये करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनस से नेगेटिव टर्मिनस मेरी बॉडी के वाया जाएगा या इट इज गोइंग टू गो थ्रू माय बॉडी एंड हेंस माय बॉडी विल बिकम अ पैसेज फॉर द करंट. द मोमेंट मेरी बॉडी से करंट जाएगा आई एम गोइंग टू गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड एंड आई माइट डाय ऑल्सो, इट माइट बी फेटल ऑल्सो. तो गाइज हम लोग तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो आए दिन लाइट वायर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो आए दिन करंट वाले वायर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं. तो वो इलेक्ट्रोक्यूशन से कैसे बचते हैं? गाइज इन देयर फीट दे वेयर रबर बूट्स. इन देयर फीट व्हेन दे वेयर रबर बूट्स तो रबर बूट्स इंसुलेटर्स होते हैं. करंट अगर यहां से यहां आ भी जाता है तो करंट जो होता है इन इंसुलेटर्स की वजह से जो है अर्थ में जा नहीं पाता है. हेंस मेरा सर्किट जो है वो एक तरीके से ब्रेक हो जाता है. मेरा सर्किट जो है वो एक तरीके से ब्रेक हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंसुलेटर्स. ओके एंड हेंस इंसुलेटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिशियन को बचा लेते हैं. अनदर वे इन दिस इन विच द इलेक्ट्रिशियन कैन गेट प्रोटेक्टेड इज बाय वेयरिंग रबर ग्लव्स. ओके रबर ग्लव्स भी पैसेज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करते हैं फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड द ह्यूमन इज गोइंग टू गेट प्रोटेक्टेड. गाइस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है ये. ठीक है कि व्हाई डू इंसुलेटर्स नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू देम और हाउ इज एन इलेक्ट्रिशियन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट वायर्स ओके from getting electrocuted. Okay? तो इसका जवाब है because the insulators are going to break the circuit, so they are going to break the passage of current through them. It is not going to allow the passage of current through them and hence this is how it makes the working with electricity safe for the engineer. ठीक है तो insulators जो है क्योंकि circuit को तोड़ देंगे तो वो जो है वो electrician के लिए सेफ बना देंगे इवन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करना. क्या ये बात हमें समझ में आई? ग्रेट गाइस आगे बढ़ते हैं आप. ठीक है सो नाउ गाइस हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल पढ़ लिए बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ दीज मटेरियल बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दीज मटेरियल. अब हम एक और चीज पढ़ते हैं दैट रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है. गाइस इन द इक्वेशन V अपॉन I इज इक्वल्स टू R हमें ये चीज याद रखनी है दैट V की वैल्यू कुछ भी हो I की वैल्यू कुछ भी हो R की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी. दैट मीन्स V जो है वो अपनी वैल्यू अगर चेंज करता है तो I भी अपनी वैल्यू ऐसे चेंज कर लेगा सो दैट R की वैल्यू सेम रहे. ठीक है दैट मीन्स R विल बी कॉन्स्टेंट टिल द टाइम द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो एक चीज तो समझ में आती है दैट आर जो है रेजिस्टेंस जो है वो ना ही करंट के ऊपर डिपेंडेंट है ना ही वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है. हाँ मैं ये बोल सकती हूं दैट करंट जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है एंड वोल्टेज जो है वो करंट के ऊपर डिपेंडेंट है. ये चीज मैं जरूर बोल सकती हूं. ठीक है सो अब गाइस हमें देखना है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. सो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस को मैं अगर R लिखती हूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ ऑफ द कंडक्टर होएगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होएगा गाइस. ठीक है जितनी बड़ी लेंथ होएगी या लंबाई ऑफ द कंडक्टर होएगी उतना बड़ा रेजिस्टेंस होएगा. ठीक है नेक्स्ट गाइस रेजिस्टेंस जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. सो रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा. जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा. गाइज अगर हम लोग याद रखें कि
कंडक्टर जो है वो एक सिलेंड्रिकल वायर होता है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या इसका ये जो मुंह है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल करके आते हैं वो एक सर्कल है, एक तरीके का वो क्या है, एक सर्कल है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होएगा, इसका इस सर्कल का एरिया क्या होएगा गाइस, इसका एरिया होएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, ओके, वेयर रेडियस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल और द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो क्या मैं इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर सकती हूँ, हाँ बच्चों मैं इसको कर सकती हूँ। सो रेजिस्टेंस बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्या इस चीज में किसी को भी प्रॉब्लम है? नहीं बच्चों, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर क्वेश्चन में आपको रेडियस की जगह डायमीटर दे रखा है, क्वेश्चन में रेडियस नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, तो अब हमें पता है दैट डायमीटर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ आर, डायमीटर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ आर। तो अब मैं डायमीटर को अगर यहां पे डालती हूं, अगर मैं डायमीटर को इंस्टेड इस इक्वेशन में इस्तेमाल करना चाहती हूं, तो डायमीटर के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, इफ डायमीटर इज इक्वल्स टू टू आर, सो कैन आई से दैट रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय टू। एनी प्रॉब्लम? क्या मैं ये लिख सकती हूं दैट रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय टू। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो मुझे ये इक्वेशन क्या मिलेगी गाइस, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई, रेडियस की जगह मैं डी बाय टू लिख देती हूं, का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, जब मैं इसका होल स्क्वायर लेती हूं तो मुझे क्या मिलता है दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। गाइस क्योंकि ये फोर जो है डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये अल्टीमेटली कहां आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा और मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, और ये फोर अगर ऊपर आ जाएगा सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर टाइम्स डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। तो गाइज देखो, दो इक्वेशन मिलती हैं, एक तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, फोर डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। क्या ये चीज हम लोगों को समझ में आई गाइस? ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस से दैट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर टू। ओके, सो कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, आई गेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई गेट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां तक किस किस को बात समझ में आई गाइस? आई गेस हर किसी को समझ में आ रही है, तो अब मैं इसको इरेज करती हूं गाइस, ठीक है, डोंट वरी, ये फॉर्मूलाज मैं एक बार फिर से लिख दूंगी बोर्ड के ऊपर। सो यहां पे अब मैं इसको मॉडिफाई करके लिखती हूं, अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन रेडियस लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हटाती हूं तो यहां पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, यहां पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो दिस बिकम्स रेडियस इज इक्वल टू द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड एज रो, या सो रो इज द नेम ऑफ द सिंबल बट इसको अदरवाइज हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टिविटी, ठीक है, इनटू एल डिवाइडेड बाय ए। क्या किसी को इसमें कोई भी समस्या है? नहीं बच्चों, दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए।
तो एक चीज समझ में आई दैट रेजिस्टेंस जो है एक तो डिपेंडेंट है ऑन द लेंथ, रेजिस्टेंस जो है वो दूसरा डिपेंडेंट है ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके ऊपर ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। दैट मींस जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसके अंदर ये इसके ऊपर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस जो है एक तीसरे फैक्टर या रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, आर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बच्चों रेजिस्टिविटी होती क्या है? सो अगर मैं इसको इस वाले पोर्शन को ऑपोजिट साइड में ले जाऊंगी तो मॉडिफाइड इक्वेशन क्या मिलेगी? मॉडिफाइड इक्वेशन मिलेगी हम लोगों को, एक सेकेंड, आर ए जब इस साइड चला जाएगा तो इट विल बिकम आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल्स टू रो और इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। बच्चों रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम। अच्छा एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया जनरली इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। सो क्या मैं इसको मीटर स्क्वायर लिख सकती हूं? हाँ मैं इसको मीटर स्क्वायर लिख सकती हूँ। लेंथ किस में जनरली मेजर होएगा? मीटर में। तो गाइज जब मीटर मीटर स्क्वायर से कटेगा तो यहां पे क्या रह जाएगा? मीटर रह जाएगा। हेंस रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। क्या होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट? ओम मीटर। बच्चों मैथमेटिकली मैथमेटिकली अगर तुम देखो तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंडेंट है ऑन आर ए एंड एल। बट गाइज अब मैं तुम्हें ट्रूथ बताने वाली हूं। एक्चुअली रेजिस्टिविटी ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ये दो और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज डिपेंडेंट ऑन टू मोर फैक्टर्स। वन इज कॉल्ड इज द नेचर ऑफ मटीरियल एंड द अदर वन इज कॉल्ड इज द टेम्परेचर। So one is called as the nature of material and the other one is called as temperature, ठीक है। और इसको अभी हम लोग details में लेते हैं। Guys अगर मैं आपसे ये पूछूं that what is resistivity, तो आप इसकी definition ये बोलोगे resistivity is equal to, so यहां पे मैं assume करूंगी कि let us say मेरी length जो है of the conducting wire is 1 meter and जो area of cross section है that is 1 meter square, that is 1 meter square। सो इन दिस केस जब मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यूज डालूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? आर इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1, ओके, इज इक्वल्स टू रो और रो इज इक्वल्स टू आर और रो इज इक्वल्स टू आर। सिंपल। सो गाइस रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटीरियल इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटीरियल व्हेन द कंडक्टर्स लेंथ और व्हेन इट्स लेंथ इज 1 meter एंड व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 meter square। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल, ओके, व्हेन इट्स लेंथ इज 1 meter long एंड व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो अबाउट 1 meter square, ओके। क्या यहां तक बात समझ में आए गाइस? सो मैथमेटिकली रो इज इक्वल्स टू आर इनटू ए अपॉन एल, बट इट इज नाइदर डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस नॉर ऑन ए नॉर ऑन एल। इट इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, वन इज द नेचर ऑफ मटेरियल एंड द अदर वन इज द टेम्परेचर। तो गाइस देखते हैं रेजिस्टिविटी इनके ऊपर कैसे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको इरेज करती हूं मैं। ग्रेट। सो गाइस रेजिस्टिविटी जो है रो वो सबसे पहले डिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर एंड इसमें हम चार मटेरियल्स को कंसिडर करते हैं, कंडक्टर्स, देन तुम्हारे रेजिस्टर्स, देन सेमीकंडक्टर्स एंड फाइनली इंसुलेटर्स। गाइस रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स इज मैक्सिमम।
रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स इज मैक्सिमम, देन इसके बाद में रेजिस्टिविटी नेक्स्ट कम होती है सेमीकंडक्टर्स की, फिर इसके बाद और कम होती है रेजिस्टर्स की, और इससे और कम होती है कंडक्टर्स की. तो क्या मैं इंसुलेटर्स को यहां पे लिख दूं? सो गाइज, रो ऑफ कंडक्टर इज लेस देन रो ऑफ रेजिस्टर्स, इज लेस देन रो ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इज लेस देन रो ऑफ इंसुलेटर्स. और हमें पता है दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. ठीक है, सो रेजिस्टर्स का भी इसके अंदर क्या होएगा? रेजिस्टर्स को अगर मैं यहां पे रिप्लेस करती हूं तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स, इज लेस इज ग्रेटर देन द इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स. क्या ये चीज हम लोगों को समझ में आए? तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी किसकी है? इंसुलेटर्स की. और सबसे कम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी किसकी है बच्चों? कंडक्टर्स की. क्या ये चीज समझ में आई हमें? बहुत जरूरी है ये जो हमने रिलेशनशिप बनाया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज यहां पे. ठीक है, सो वन, रेजिस्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नेचर ऑफ मटेरियल, एंड ऐसे ऐसे इंक्रीज करती है रेजिस्टिविटी, एंड हेंस ऐसे ऐसे इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस. दूसरी चीज गाइस, सो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है? गाइस, इसके अंदर एक एक्सेप्शन या दो एक्सेप्शन आपको याद करने पड़ेंगे. तो एक्सेप्शन के लिए हम लिखेंगे SCE. क्या लिखेंगे? SCE. गाइज, जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सब के लिए रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एंड हमें पता है दैट जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा. समझ में आया? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा. इसीलिए हम लोग ओम्स लॉ में हमेशा बताते हैं दैट रेजिस्टेंस विल स्टे कॉन्स्टेंट टिल द टाइम द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया तो रेजिस्टेंस जो है वो भी वेरी करेगा, बट अगर तुमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. यहां तक क्या बात समझ में आई हम लोगों को? गाइस, मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शन के लिए हम ये कोड वर्ड याद करेंगे, SCE. SCE का मतलब ये है सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. गाइस, एक्सेप्ट फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी और सब्सटेंसेस हैं, दैट मींस कंडक्टर्स हो गए, दैट मींस रेजिस्टर्स हो गए, दैट मींस इंसुलेटर्स हो गए, इन तीनों के लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. समझ में आ रहा है? तो ये दो एक्सेप्शंस हैं इस रूल के गाइस. क्या हम लोगों को ये बात समझ में आए? ओके, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द बैटरी स्टेटस. ओके, इट इज स्टिल रिकॉर्डिंग. गाइस, यहां पे पॉज करते हैं, एक और पार्ट वीडियो का बनाना होएगा. ठीक है, सो लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो नाउ.